कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मिशन 2022 को फतह करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी है। एक दिन पहले जाटलैंड में किसानों की सभा में हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर भाषण देने वाली प्रियंका गुरुवार को प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर संगम में डुबकी लगाने पहुंची। बिना सुरक्षा तामझाम के वह संगम की रेती पर बेटे बेटी के साथ पैदल चली और गंगा स्नान के बाद नौका विहार किया। अपनी मां सोनिया गांधी की सलाह पर उन्होंने मनकामेश्वर मंदिर में मनौती मांगी। इसी के साथ प्रियंका गांधी का मिशन यूपी स्टार्ट हो गया है। दो दिन के उनके यूपी दौरे में सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक साफ देखने को मिली। बुधवार को वह सहारनपुर में मुस्लिमों को सादती नजर आईं। उन्होंने जहां शाकंभरी देवी में पूजन किया, वहीं पीर की खानकाह में भी हाजिरी लगाई। जाटलैंड में महापंचायत के मंच से किसानों को साधने की कोशिश की। दूसरे दिन प्रयागराज पहुंचकर मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी में डुबकी लगाई। यहां वो प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर भी गईं, बेटी के साथ आनंद भवन गईं और परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थियों पर पुष्प अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के गले में रुद्राक्ष की माला रहती थी, अब प्रियंका के हाथों में रुद्राक्ष की माला दिख रही है। सहारनपुर के चिकलाना में बाबा भूरादेव मंदिर, सिद्धपीठ मां शाकंभरी मंदिर के अलावा पंचायत में भी रुद्राक्ष की माला उनकी कलाई में लिपटी रही और अब प्रयागराज में भी रुद्राक्ष की माला लिए वह दिखी। राजनीतिज्ञों का कहना है कि इसके जरिए वह कोई विशेष संदेश देना चाह रही हैं। प्रियंका गांधी पूर्वांचल के दौरे के दौरान शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से भी मिली। संगम में नाव से उस पार गईं, खुद नाव चलाई और नाविक को 2000 रुपये भी दिए। संगम में प्रियंका की डुबकी सबके आकर्षण का केंद्र रही। यहां वह आम श्रद्धालु की तरह नजर आईं, सुरक्षा घेरा तोड़कर एक छात्रा से भी मिली। बेटी के साथ प्रियंका सुबह बमरौली एयरपोर्ट से सीधे आनंद भवन पहुंची थीं, जहां कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी उनके साथ थे। प्रियंका ने यहां एक बैठक की और स्वराज ट्रस्ट भवन से जुड़े कर्मचारियों व शुभचिंतकों से मुलाकात की। ट्रस्ट द्वारा संचालित अनाथालय की बच्चियों से मुलाकात कर उनसे बातचीत भी की।